प्रद्युम्न मर्डर केस में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फैसला सुनाएगा। अपना आरोपी के बालिग या नाबालिग होने पर आज ये फैसला सुनाएगा कोर्ट। सीबीआई ने बोर्ड से याचिका लगाकर ये मांग की थी कि जो आरोपी है उसे बालिग माना जाए, नाबालिग नहीं। अब कोर्ट क्या मानता है आरोपी को बालिग या नाबालिग, इसका फैसला कोर्ट आज अपना साफ कर देगा। आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाए ये अपील की थी सीबीआई ने। आरोपी छात्र के फिंगरप्रिंट्स लेने पर भी आज बोर्ड अपना फैसला देगा। प्रद्युम्न मर्डर केस जिसमें सीबीआई की थ्योरी यह कहती है कि 11वीं का यह छात्र आरोपी है जिसने प्रद्युम्न की हत्या की थी, और सीबीआई यह भी मांग कर रही है कि इसे बालिग माना जाए, नाबालिग नहीं, बालिग की तरह इस पर केस चलाने का आदेश दिया जाए, याचिका लगाई है कोर्ट में सीबीआई ने। अब आज अपना कोर्ट इस पर रुख साफ करेगा कि 11वीं का यह छात्र बालिग माना जाएगा या नाबालिग। साथ ही फिंगरप्रिंट्स लेने की भी मांग की थी सीबीआई ने, इस पर भी कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। रेयान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युम्न की हत्या हुई थी, मासूम प्रद्युम्न का हत्यारा सीबीआई की थ्योरी के मुताबिक 11वीं का छात्र है जिसे डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। अब सीबीआई ये चाहती है कि इस पे जो मुकदमा चलाया जाए वो बतौर बालिग चलाया जाए। सुशील सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए। सुशील, कितने बजे फैसला आएगा? करीब मैं इसकी फैसला आने की उम्मीद है, और दो मामलों में माना जा रहा है कि ये फैसला आ सकता है। एक तो जो फिंगरप्रिंट का मामला है, वो जो सीबीआई ने याचिका डाली थी कि इसे एक उन्हें फिंगरप्रिंट चाहिए आरोपी छात्र का, और साथ ही सोशल स्टेटस रिपोर्ट। तो माना जा रहा है कि इन दोनों में फैसला आज संभव है। जहां तक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाए आरोपी को या फिर जुमेनाइल की तरह, इस पर यह माना जा रहा है कि फैसला डिले हो सकता है। जी बिल्कुल, सभी की निगाहें सुशील इस फैसले पर है, क्योंकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। सीबीआई की थ्योरी ये कहती है कि 11वीं का छात्र आरोपी है, हरियाणा की पुलिस की जो थ्योरी थी वो आरोपी कंडक्टर अशोक अब जमानत पर बाहर है। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार किस मंशा से, किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सबकी निगाहें इस केस पर है। जी बिल्कुल, देखिए जब तक सीबीआई अपनी क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं कर देती है तब तक यह कहना जल्दबाजी होगा कि अशोक इसमें, जो बस कंडक्टर स्कूल का था आरोपी जिसको पुलिस ने बनाया था, वो इसमें कितना इन्वॉल्व है या उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, तो सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पे निर्भर करता है। साथ ही इस आरोपी ने, जिसको सीबीआई आरोपी बनाई है, जिस छात्र को, इसने हत्या क्यों किया है, इसको लेकर जो तथ्य सीबीआई ने सामने रखे थे, जो बातें सामने रखे थे, उसमें पीटीएम कैंसिल कराने की बात आ रही थी सामने। लेकिन अब इसमें माना जा रहा है कि जब तक क्लोजर रिपोर्ट ना आए, कुछ और लोगों से पूछताछ की बात हुई थी, तो निश्चित तौर पे उस रिपोर्ट के आधार पर, आगे की कार्यवाही के आधार पर पता चलेगा कि कौन कौन से लोग उसमें शामिल थे। जी चलिए, शुक्रिया आपका सुशील सिंह जानकारी देने के लिए।